अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे अल्लाह पाक के फजल करम शुक्र के साथ। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पर दोस्तों, वर्निंग टू माय चैनल क्योंकि हम ब्लॉगिंग पाकिस्तान में। अच्छा जी, तो अभी अभी मैं सेंध होकर फारिग हुई हूँ। सेंध होने से पहले मैंने की थी सफाई सारे घर की, ठीक है। काम वाली नहीं आई आज, फिर दो दिन हो गए तो नहीं आ रही थी। अगेन यही मसला रहना है हम लोगों को। अच्छा जी, तो अभी मैं आई हूँ किचन में, तो सफाई वगैरह मैंने कर लिया। किचन बस धोने वाला रह गया। उसके बाद जी यहाँ पे पापा के लिए बनाया है सालन आलू चिकन शोरबे का, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पापा के लिए बना है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बन रहे हैं पुलाव। जी हाँ जी, जैसे कि आप देख सकते हैं पुलाव बना रही हैं यहाँ पे मम्मा, ठीक है। सालन आलू चिकन है हमारा, ठीक है, लो फ्लेम में रखा हुआ है मम्मा जान ने। और यहाँ पर बस जल्दी से पुलाव बन जाएगा और फिर साथ साथ बाकी के काम भी निपटाने हैं हमें आज। तो ये ब्लॉक के लिए चावल साफ़ कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आए हैं पापा तरे लाए हैं और साथ ही साथ आए हैं चेरी। आप देख सकते कितनी मज़े की चेरी थी, बहुत मज़े की थी। ये है एप्पल और इसमें है पीच और ये है फालसे। गर्मियों फालसे का जूस पीने का बहुत मज़ा आता है, बहुत रिफ्रेशिंग फील होता है। अच्छा जी, यहाँ पर आटा भी गूंद दिया हुआ है और वो अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये है सूट, यहाँ पे स्लिंग हो रहे हैं। मामा सूट लाई थी, भाभी के सूट हैं ये, तो ये साथ साथ स्लिंग भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक पावरफुल मदर, मतलब कितनी पावरफुल होती है, कितना कुछ एक साथ हैंडल करती है। तो जी यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये फ्रूट जो अंदर रखने वाले थे अंदर रख दिए हैं, ठीक है। और ये फालसे धो दिए हैं अच्छे तरीके से, इसे फ्रीज़ कर लेंगे। जब फिर जूस बनाना होगा तो ठंडा ठंडा जूस पियेंगे। और ये चेरी भी मैंने धो ली है और साथ साथ चेरी खाते जाते हैं, साथ साथ काम करते रहते हैं। मुझे चेरी पसंद है, बहुत मज़े की लगती है और ये बहुत वाकई बहुत मज़े की थी। मीठी मीठी अक्सर खट्टी होती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं पापा की अंजीरें जैसे मुझे याद आता है ना मैं भिगो देती हूँ। और अब मैं इसे भिगो के पानी ऐड करती ना फ्रिज में रखती हूँ, पता गर्मियाँ आ गई हैं तो ख़राब ना हो जाए बाहर, तो इसलिए जी ये मैंने फ्रिज में रख दिया, जिससे कि आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे फ्रिज में रख दें, बाकी चेरी कह रही हूँ, बाकी जो अंजीरें हैं उनको उनकी जगह में रख दी हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं शहजादा है, ये मेरी सिस्टर का बेटा मोहम्मद चेरी खा रहा था। अच्छा जी, तो सारा काम हो गया था। यहाँ पे कोई इलेक्ट्रीशियन आया हुआ था, वो थोड़ा काम था वो करने, तो यहाँ से फिर मैंने गंदू था साफ़ कर मैंने यहीं पर छोड़ दिया था। बाकी सारा ऑलमोस्ट हो गया, तो अब ये मैंने ये भी जगह साफ़ कर दी जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मामा सोइयाँ भी बना रही हैं, मामा का सोइयाँ खाने का दिल था, तो आप यहाँ पे मीठी सोइयाँ बन रही हैं। और पता नहीं मुझे गर्मी हुई है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे अब मैं कच्ची लस्सी बना रही थी, अपनी पी रही थी। अच्छा जी, तो खाना वगैरह खा लिया था सबने। और ये फालसों का जूस बनाया हुआ है, सोइयाँ पड़ी हैं, बाकी बर्तन मैंने उठा दिए हैं। और ये देखिए जी रमीन सोइयाँ खा रही है, मसल प्यारी लग रही है बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं। प्लीज़ से माशाल्लाह तैयार हो के आइए, इसका हेयर स्टाइल तो चेक करें। अच्छा जी, तो अब मैं खाना वगैरह खा लिया है, जैसे कि आप सबको पता है। तो यहाँ पे मैंने रखी थी 3 पैक, 2 रखे थे, एक पता नहीं रखते साथ ही खुल गया, तो वो वैसे ले गई, तो ये ठंडा हो गया। और इसे लेके चलते हैं हम अंदर। और यहाँ पे लड़ाई हो रही है मोहम्मद और अमीन के बीच, 3 पैक उसने पीना है, वो कह रही नहीं मैंने पीना है। तो इस लड़ाई में कौन जीतता है आप खुद ही देख लिया, आपके सामने तो मोहम्मद जीत गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स वो छोटा है, फिर अमीन ने उसे दे दिया। अब यहाँ पर अमीन भी एक सिप ले लेगी और मोहम्मद ने अपने कपड़ों में गिरा भी लिए जैसे कि आप देख सकते हैं। दोनों भी बहुत शरारती हैं, प्लीज़ माशाल्लाह कह दीजिएगा दोनों के लिए। अच्छा जी, ना खाना वगैरह तो हो गया, अब बारी है फ्रूट खाने की। और फ्रूट में है चेरी, जैसे कि आपको पता है ये चेरी है वो फालसे हैं, ये फ्रीज़र में रखे हुए हैं, ठंडे मतलब ठंडे हो गए हुए हैं बिल्कुल, और अब इन्हें और खाने का मज़ा आएगा। ये देखें जी, बहुत ज़्यादा ठंडे थे, अपने एक वहाँ पर मुँह में डाला और फिर मैं अंदर लेके जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं रमीन से रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ अपना ड्रेस दिखाओ करिए, ओके। तो ये देखिए ये शोकिया मार रही है चेरी खाते अपना ड्रेस दिखा रही है, माशाल्लाह वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने इसे कह रही थी कि घूमो ज़रा, मुझे अपना फुल ड्रेस दिखाओ ताकि मैं अपने सब सब्सक्राइबर्स को दिखाऊँ आपका ड्रेस ही कितना प्यारा लग रहा है, आज आप कितनी प्यारी लग रही हो। तो नहीं थी घूम रही, बहुत शौकी होकर वो नखरे करके घूमी थी। तो फिर मैं उसे कहती हूँ आप जरा वहाँ जाओ ताकि फुल मतलब कैप्चर हो सको, लेकिन वो नहीं मानी, बहरहाल इतना ही काफ़ी था। ये देखिए मोहम्मद घूमने लग गया था मेरी बात सुन के। तो बस आज का दिन ऐसे ही गुजरा, आज हमारा प्लान था फजल सेंटर जाने का, बट नहीं जा पाए क्योंकि गेस्ट आ गए थे घर, तो अब कल जाएंगे इंशाल्लाह।
तो पिज़्ज़ा मंगवाया था और इसके साथ साथ पापा ने चावल खाने की डिमांड थी, मैंने जल्दी वाइट चावल बना दिए हैं। दूध यहाँ पे बॉयल हो चुके जैसे कि आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ये बर्तन धोए हैं जैसे मेहमानों के साथ मतलब उठा के, तो ये ब्लैक चने भिगो दिए हैं, सुबह ब्लैक चने बनेंगे ठीक है। तो बस अभी थोड़ा बहुत खिला रहा है, अब साफ़ करना अच्छा जी तो खिला रहा है, अब देख रहे इसके साफ कर लिया मैं, दूध ठंडा करने के लिए रख दिया, चने ज़्यादा ऐड करके और ज़्यादा मैं कहते कम है, खुले बर्तन में भिगो दिए हैं, तो ये बर्तन भी धो दिए। यहाँ पे बनाया है फालसून का जूस, अब इतना ठंडा ठंडा फालसून का जूस। तो बस जी इसी साथ में इजाज़त, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।